Assalamu alaikum, this is Abir Hussain. I'm front-end and React.js team lead. I'm also co-founder of eBridge Professional Training Institute. I'm honored to teach you this lecture. Let's get started. कल हम लोगों ने अरेज का इंट्रो पढ़ा था, कुछ हम लोगों ने उसके अंदर मेथड्स देखे थे। अब अरेज मेथड के अंदर जो है बेसिकली अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास दो फेमस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है क्यू और एक होता है स्टैक। तो अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू इस तरह से होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे बैंक में क्यू लगा होता है, अगर आप पहले लाइन में लगे हैं तो आप पहले फ्री हो जाएंगे। और जो स्टैक होता है वो फिर इसके बाद देखते हैं। तो क्यू बिल्कुल वैसी है जैसे बैंक में एक चीज़ क्यू में लगी हुई है। तो अब क्योंकि हम अरे के अंदर मल्टीपल वेरिएबल एक ही जगह पर स्टोर कर रहे हैं, मल्टीपल डाटा एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दो तरीके हैं। या तो हम लोग जो उसके अंदर एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं वो जो सबसे पहले पुश हो रहा है हम उसको पहले निकाल सकते हैं, क्या, और जो लास्ट पे पुश हुआ उसको लास्ट पे निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि हम लोग डाटा स्ट्रक्चर क्यू को फॉलो कर रहे हैं। इसके दो मेथड्स हैं, एक है पुश और एक है शिफ्ट। ये दोनों मेथड्स जो हैं ये अरे के साथ सपोर्टेड हैं। पुश जो है वो एंड पे एलिमेंट को पुश करवा देता है, जबकि शिफ्ट जो है ना वो हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट अरे में से निकाल कर रिटर्न करता है। जब हम पुश करवाते हैं तो पुश के अंदर हम लोग वैल्यू देते हैं, वो अरे के एंड पे अपेंड हो जाती है और ये हमें रिटर्न करता है उस अरे की लेंथ। और जब हम शिफ्ट करते हैं ना तो ये हमें उसमें से जो एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करके आपको निकाल के दे देता है फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ, ठीक है, वो उसमें से रिमूव करता है और आपको निकाल के बाहर रिटर्न कर देता है। और जो बाकी इंडेक्स वाले सारे उसके अंदर वेरिएबल्स पड़े होते हैं उनके इंडेक्स भी शिफ्ट करता है, क्योंकि इसने जीरो से निकाल लिया तो वन वाला जीरो पे आ जाएगा, टू वाला वन पे, सो ऑन, इस तरह से आगे चलता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑपरेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनको ट्राई कर लेते हैं, लेट से एक अरे है माई अरे जो हम लोगों ने कल बनाई थी, उसके अंदर दो एलिमेंट्स पुश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ अपनी अरे। सबसे पहले तो मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट हम इसमें एक दफ़ा पुश करके देख लेते हैं, कल भी किया था लेकिन आज एक दफ़ा हम स्टैक क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, पुश किया तो इसने मुझे जो रिटर्न किया है वो अरे की लेंथ रिटर्न की है बस। अब मुझे अगर चेक करना है कि इसमें वाकई पुश हुआ है कि नहीं तो मुझे अरे को दोबारा से देखना पड़ेगा। इसके अंदर ये तीन, अब इसकी लेंथ तीन हो गई और इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। ये मैंने शिफ्ट किया तो उसमें से उसने मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकाल के दे दिया। अगर अब मैं दोबारा अपनी अरे प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास इसमें दो एलिमेंट्स हैं और जीरो इंडेक्स पे हुसैन पड़ा हुआ है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे आकर पड़ा हुआ है। तो इसने वही दो काम किए जो अभी हम लोगों ने देखे थे, एक तो ये कि फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस भी चेंज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, सेकंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो है वो स्टैक होता है। स्टैक में जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। लेट से कि आपने एक पाइल ऑफ पेपर्स रखा हुआ है तो उसमें जो सबसे ऊपर पेपर है आप जब रखते हैं तब उठाते हैं तो सबसे ऊपर वाला पहले उठाते हैं बंडल। इसी तरह अगर कोई पाइप है या कोई ड्रम है या इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें आप चीज़ें डाल रहे हैं
तो जब तक आप सबसे ऊपर वाली चीज़ नहीं निकालेंगे नीचे वाली चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह का जब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें जो सबसे लास्ट पे पुश हो आपने वही सबसे फर्स्ट पे पुल लेना है उसका, तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैक बोलते हैं। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक तो लास्ट पे पुश करना है तो हम पुश का मेथड यूज करेंगे और लास्ट से उठाना तो हम लोग पॉप का मेथड यूज करेंगे। पुश वाला हम लोगों ने देख लिया, अभी के लिए सबसे पहले अपनी अरे प्रिंट करवाते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं और मैं कहता हूँ माई अरे डॉट पॉप, तो इसने मुझे एंड से एलिमेंट निकाल के दे दिया। अब मैं दोबारा अपनी अरे प्रिंट करवाता हूँ तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगी क्योंकि एंड में से हम लोगों ने अहद निकाल लिया और इसकी लेंथ 1 हो गई है। कंबाइन करें सारी चीज़ों को तो हमने चार मेथड, बेसिकली तीन पढ़े हैं, चौथा भी पढ़ लेते हैं। पॉप जो है वो एलिमेंट को एंड से जो है आपको रिटर्न एंड से निकाल के रिटर्न करता है, ठीक है। पुश जो है वो एंड पे अपेंड करता है। शिफ्ट जो है वो आपको फर्स्ट एलिमेंट निकाल के देता है और इसी तरह जो अनशिफ्ट है ना ये एलिमेंट ऐड करता है स्टार्ट के ऊपर। जैसे हम लोगों ने शिफ्ट से निकाला है ना तो हम लोगों ने एक चीज़ बस मिस की है कि स्टार्ट पे ऐड कैसे करेंगे। तो लेट्स से हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें जब भी अरे में ऐड किया हम लोगों ने पुश मेथड के थ्रू ऐड किया। तो लेट्स से मैं कहता हूँ माई अरे डॉट अनशिफ्ट ठीक है, ये वापस आपको रिटर्न कर रहा है अरे की लेंथ। और जब मैं इसको अरे को चेक करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे आपके पास जो नया एलिमेंट था वो आ गया। और ये भी जो शिफ्ट है ना वो भी अनशिफ्ट की तरह दो काम करता है। अनशिफ्ट आपका डाटा स्टार्ट पे अपेंड करता है, क्योंकि स्टार्ट पे वो अपेंड कर रहा है तो उसको बाकी सारे इंडेक्सेस चेंज करने पड़ेंगे, तो आगे वाले इंडेक्सेस को चेंज करना पड़ता है। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों कॉस्टली ऑपरेशन है हमारे। मल्टीपल भी हम लोग कॉमा सेपरेटेड के साथ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? परफॉर्मेंस वाइज देखें तो जाहिर सी बात है पॉप और पुश सिर्फ एंड पे ऐड कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, किसी का इंडेक्स चेंज नहीं कर रहे, तो ये बहुत फास्ट और रैपिड हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है। और शिफ्ट और अनशिफ्ट अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन है, क्योंकि इन्होंने दो दो काम करने होते हैं, आप एंड भी करना है या निकाल के देना है आपको, तो बाकी सबका इंडेक्स भी चेंज करना है। और अगर अरे बहुत बड़ी है 100 में या 1000 में है तो फिर ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो फिर हम इन दोनों को हत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं और इन दोनों को मोस्टली यूज़ करते हैं ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो कॉस्टली ना हो। अच्छा ये एक और मेथड है अरेज का, टू स्ट्रिंग, थोड़ा सा हम लोगों ने कल देखा था टू स्ट्रिंग को अरेज के ऊपर ही डिप्लॉय किया था। मिड में से खाना हो तो ये देखो इंडेक्स बताओ ये मेथड है ना आपके पास, अगर दरमियान में से खाना है तो आप इंडेक्स बताओ दरमियान में से खाना स्ट्रक्चर दो है ना आपके पास, दोनों के हम लोगों ने मेथड देख लिया। अच्छा जब हम टू स्ट्रिंग करते हैं तो ये हमें अरे को पकड़ के इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट करके सेंड कर देता है, लेकिन जो ओरिजिनल अरे है उसको म्यूटेट नहीं करता। ओरिजिनल अरे हमारी जो है वो एज इट इज रहती है। इसको हम लोग जब टू स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को फिर आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ये तो कौन सा ये टू स्ट्रिंग जो है ना बाई डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग होती है आपके पास।
कॉमा फिर आप फर्दर रिमूव कर सकते हो स्प्लिट के साथ, स्प्लिट हम लोगों ने पढ़ा एक स्ट्रिंग बन गया या ये हाँ ये एक स्ट्रिंग बन गया ना, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा कॉमा आता जाएगा, ठीक है। वो इसलिए होता है ताकि आप एलिमेंट स्ट्रिंग में से भी उठा सको, स्प्लिट का मेथड पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो आप डॉट स्प्लिट करोगे तो उसके अंदर कॉमा डाल दोगे तो कॉमा स्प्लिटेड आपको दोबारा से अरे कन्वर्ट कर देगा। अच्छा नहीं नहीं टू फिक्स तो स्ट्रिंग का मेथड है और वो नंबर्स का मेथड है और वो जब पॉइंट में नंबर होते हैं ना उनको पॉइंट काम करने के लिए यूज होता है उसका, तो यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग का अरेज का मेथड नहीं है ना टू फिक्स। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ अरे स्ट्रिंग इक्वल्स ठीक है। अब ये अरे स्ट्रिंग जो है इसके अंदर मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है इस तरह से, हम इसको दोबारा अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने कन्वर्ट की स्ट्रिंग, अब इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी स्ट्रिंग दी जाए और उसमें आपको एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए जो कि कॉमन हो, लेट से वो बार हो सकती है, ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और आपको कहा जाए कि इसकी बेस के ऊपर इसको अरे में कन्वर्ट कर दो, तो आप इजीली एक अरे को स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा ये जो ज्वाइन वाला मेथड है ना, ज्वाइन भी सारे अरे के एलिमेंट्स को ना ऑलमोस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बस इसमें यह है कि इसमें आप बता सकते हो कि किस बेस के ऊपर आप लोग आपने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे टू स्ट्रिंग तो सीधा सीधा मेथड है वो खुद ही कॉमा सेपरेटेड जो है ना हमें अरे कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे आप उसको बस बता सकते हो कि आपका ऑपरेटर कौन सा है। ये मेरे पास एक फ्रूट्स की अरे है, खाली ज्वाइन लगाऊंगा तो ये मुझे बिल्कुल सेम वैसे ही टू स्ट्रिंग वाले मेथड की तरह से बिहेव कर रहा है, और अगर मेरे पास कोई स्पेशल करेक्टर है तो मैं वो डाल सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मैंने इसको खाली जो है वो इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं दो, तो इसने जो कॉमा था ना वो ख़त्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बार लगा देता हूँ ना तो ये हर एक एलिमेंट के बाद बार अपेंड कर देगा, कि अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक लगा देता हूँ तो ये हर एक एलिमेंट के बाद स्टेरिक अपेंड कर देगा, क्या और आप कुछ भी नहीं लगाते तो ये बाई डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा अपेंड कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और हर एक एलिमेंट के बाद बाई डिफ़ॉल्ट कॉमा अपेंड करता है, या फिर आप इसको ऑपरेटर पास कर सकते हैं, ये इसमें और टू स्ट्रिंग में ये डिफरेंस है। उसके बाद सॉर्ट वाला मेथड है हमारे पास, लेट से यही वाली जो स्ट्रिंग है हमारी फ्रूट्स वाली, इसमें एप्पल थर्ड पे पड़ा हुआ है, मैं इसको सॉर्ट कहना चाहूँ ए बी सी वाइज, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, अब इसने मुझे सॉर्टेड अरे रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं रिवर्स सॉर्ट भी कर सकता हूँ, रिवर्स सॉर्ट करने के लिए आपको पहले सॉर्ट करना होता है और फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आपके पास एलिमेंट आगे पीछे बढ़े हुए हैं, तो आप पहले सॉर्ट करते हैं फिर उसको रिवर्स सॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये आप लोगों का नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज है, इसको हम देख लेते हैं एक दफा। इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे टॉप पे, आपने यही चीजें यूज करनी है इसके अंदर, कि इसमें क्या क्या यूज होगा, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा, इफ एल्स कंडीशन यूज होगी, कंकैटिनेशन यूज होगी और एंड ऑपरेटर यूज होगा।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जॉन एंड माइक बोथ प्लेयर बास्केटबॉल इन डिफरेंट टीम्स इन द लास्ट थ्री गेम्स जॉन्स टीम स्कोर्ड 89 170 एंड 103 पॉइंट्स वाइल माइक्स टीम स्कोर्ड ये आखिरी तीन तीन उनके जो मैचेस से उसका स्कोर है इसका अलग से और इसका अलग से कैलकुलेट द एवरेज स्कोर एंड लॉग टू द कंसोल ये तो पहला टास्क तो बिल्कुल आसान है ठीक है एवरेज आपको पता है ना सबको जमा करना है और नंबर पे डिवाइड कर देना होता है जितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास डिसाइड विच टीम विंस इन एवरेज फिर आपने जो एवरेज निकाली है उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सी टीम विन कर रही है एंड प्रिंट द विनर टू द कंसोल आल्सो इंक्लूड द एवरेज स्कोर इन द आउटपुट यानी कि आउटपुट में आपने कंकैटिनेशन के साथ स्ट्रिंग बनानी है कि ये वाली जो टीम है ये विन कर रही है अब उसमें हर दफ़ा जब भी टीम विन करेगी टीम का नाम चेंज होगा और उसका एवरेज स्कोर भी आगे आ रहा होगा देन चेंज स्कोर टू शो डिफरेंट विनर्स ठीक है फिर आपने अपने कोड में जाना है और स्कोर्स को वेरी करना है और देखना है कि वाकई में टीम शफल कर रही है आपका कोड बिल्कुल ठीक है अगर आप एक टीम का स्कोर बढ़ाते हैं तो दूसरी टीम लॉस करती है विन करती है प्रॉपर तरीके से डोंट फॉरगेट टू टेक इनटू अकाउंट देयर माइट बी अ ड्रॉ ठीक है ये भी आपने माइंड में रखना है कि ड्रॉ भी हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों का मैच ड्रॉ हो सकता है एक्स्ट्रास में मैरी आल्सो इससे यहाँ तक जब आप कर लेंगे ना ये समझ लें कि असाइनमेंट का एक पार्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा ये सेकेंड पार्ट है इसमें क्या है कि पहले दो प्लेयर्स थे जिनकी हम लोगों ने लास्ट थ्री मैचेस से अब ये तीसरा प्लेयर आ गया मैरी आल्सो प्लेस बास्केटबॉल एंड हर टीम स्कोर 97 और ये तीनों स्कोर किए हैं उन्होंने लाइक बिफोर लॉग द एवरेज विनर टू द कंसोल अब आपने यहाँ से जब स्टार्ट करना है ना तो आपने तीन टीम्स को लेके चलना है यहाँ से ठीक है यहाँ तक आपकी असाइनमेंट का एक पार्ट हो जाएगा दो विनर्स के साथ या आपने इसको कोड करके यहाँ पे इसको कमेंट कर देना है और इसके लिए फिर तीन टीम का स्टार्ट होगा ठीक है यहाँ पे आप तीनों में से बताएंगे कौन सा विनर है तीनों में से बताएंगे कौन सी टीम जीती है इसी तरह से तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे मूव होंगे तो यहाँ पे फिर आपको एंड ऑपरेटर भी यूज़ करना पड़ेगा साथ में लाइक बिफोर चेंज द स्कोर टू जनरेट डिफरेंट विनर्स कीप इन माइंड देयर माइट बी ड्रॉ तो इन तीनों का भी ड्रॉ हो सकता है और तीनों का ऊपर सेम कंडीशन आपने लगानी है इसमें कोई क्वेश्चन किसी का आप लोग रिकॉर्डिंग चैलेंज इधर बैठ के करना चाहें वेल एंड गुड इधर बैठ के कर लो ठीक है घर जाके करना तो घर जाके भी कर सकते हो इस पर लेकिन दोनों कंडीशंस में किसी जगह पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो एक दफा पढ़ लो तसल्ली के साथ ये मैं आपका वहां पे भी डाल देता हूँ आप लोग एक दफा पढ़ लो फिर मैं वहां पे ऐड कर देता हूँ गूगल क्लास में क्लियर ठीक है मैं इसको गूगल क्लासरूम पे ऐड कर रहा हूँ